हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का नाम सुने रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बेटे जाबिर, जाबिर के बाप अब्दुल्ला। अब इन दोनों में लड़ाई चल गई। लड़ाई क्या चली? मैं जाता हूं लड़ने, जग के जाके शहीद होना चाह रहा हूं, मैं जाता हूं। बाप बेटे कहते ये लो, हमारे पास भी बाप बेटे हैं, क्या कर रहे हैं? बाप नमाज को जा रहा, बेटे को कभी तो बोल रहा भी नहीं, एक अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं भाई, देख के सीखना कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बोलते एक भी हदीस नहीं, मुंह बंद करके रहता था, देख के सीख जाते थे ना नबी को सब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए क्यों? बोलो, लोगों को समझाओ तो दावत देना। तो बाप नमाज पढ़ रहा, बेटा नहीं पढ़ रहा, बेटा नमाज पढ़ रहा, बाप नहीं पढ़ रहा, ऐसा हाल है। लेकिन यहां बाप बेटों की बेहजोरी। नहीं मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। सात बहना थे जाबिर को, कितने? सात। इन्होंने बोले बाबा मैं चले जाता हूं, तुम बाप है, सात बच्चे रहते यार, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। अच्छा, इनको मालूम है गए तो शहीद हो जाएंगे। नहीं बाबा तुम चले जाओ, मेरी भी शादी है, जरा शादी आदि कर लेता हूं, मैं भी शादी के मजे ले लेता हूं, बहना है, जरा रहता हूं, जिंदगी गुजार दो, तुम तो बुढ़े हो रहे थोड़े, तुम चले जाओ, तुम शहीद हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, इनको जाना है पहले, इन्हों जाना है। अच्छा चलो भाई, दोनों की वो हुई। अच्छा बाप भी कैसा बाप, हज को जाओ बोले तो शादी अमल के नहीं जा रहे, इसको मालूम है जाके शहीद होने जा रहा है इन्हें। अल्लाह अकबर। सात बेटियां हैं और कर्ज भी है, चलो ये लो, कर्ज भी था। हुआ, बाप का नंबर लग गया, बाप चले गए। खात्मा देखो, चले गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए। अब हो गए शहीद, सब हो गया। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अफसोस में थे, बाप खिता भी करो भाई, शहीद भी हो तो इंसान ही तो है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर बड़े गमगीन दिख रहे हैं, क्या बात है? बोले याद आ रही जो भी है। बोले खर्च था। बोले अच्छा, बोले जाबिर जल्दी तुम क्या करो, जो भी खजूर निकले तुम निकालो, मैं आ रहा हूं। बोले सब जने निकाले खर्च, पूरे खर्जदारों को बोले खजूर निकाले, खजूर जमा दिए। अब सब जने क्या करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आ गए तो जरा थोड़ा एहतराम में आ गए। कोई बड़ा आया तो खर्च के थोड़ा बदमाशी नहीं करे। मगर यहूदी बोला नबी आंदो कुछ भी आंदो, मेरे को नहीं मालूम। बोला तो यहूदी है, उन्होंने बोला मेरे को नहीं, मेरे को खर्जा दो। बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी आए, आके बोले चलो देते जाओ। अब देते गए, क्या देते गए, खर्जा फिट गया, देते जा रहे, पूरे हो गए, देते जा रहे। ओए वैसे का वैसी है, पूरा खर्जा भी फिट गया, इनके घर के वास्ते बहुत जबरदस्त बच गया। ये अल्लाह के नबी का मौजजा और नबी की बरकत थी। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला क्या करे, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जाबिर तुमको मालूम है क्या हुआ? अच्छा यहां देखो खात्मा कैसा है, इन्हों मर गए तड़प के, जन्नत का शौक था ना, चले गए। एक वाहिद शख्स है जो बिना पर्दे के अल्लाह ताला उनसे बात करा, वो है अब्दुल्ला। बिना पर्दे के अल्लाह जिब्रील से भी बात नहीं करे, मालूम किसे भी बात नहीं करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे भी नहीं करे, सिर्फ तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला से करे। क्या बात करे? हाँ अब्दुल्ला बोलो, बोले अल्लाह ताला बात करेंगे तैयार हो, बिना पर्दे के। ये खात्मा हुआ इनका अच्छा। क्यों? इन्हों बहुत टेंशन लेके नहीं मरे, क्या होता कि मेरे बच्चों का जैसा मैं पाल रहा था। अरे तू क्या, मैं पाल, मेरी औकात क्या है? ऐसी सोचा ना, अरे मैं गए बात क्या होता कि शादियां वो ये ठीक है, अच्छा रखे जाओ, मसला नहीं है। लेकिन ये तो इन्हें परेशान हो गए, लोग परेशान, इन्हें परेशान नहीं होने। बोले अल्लाह चलो जाना है खलास, तो अल्लाह बात कर रहा बगैर पर्दों के। तो जा उनके पूछे क्या होना, उन्होंने बोले अल्लाह मेरे को फिर से भेज देते क्या दुनिया में? क्या बोले? जाके सातों बच्चों की शादियां कर लेता हूँ, जाबिर की भी शादी कर लेता हूँ, जरा पोतरे पोतरिया नवासी नवासियों को देख के आ जाता हूँ। ये बोले अपन तो पहली फुर्सत में बोलते ना, अरे भाई शादियां नहीं हुई, बच्ची के रिश्ता नहीं लग रहा, कहते जरा जाके नहीं। उन्होंने बोले अल्लाह मेरे को दुनिया में फिर से भेज दे ताकि फिर मैं तेरी राह में लड़के शहीद होके फिर आ जाऊं। क्या बात है मेरे भाई, अल्लाह बगैर जो है ना पर्दे के बात कर लिया उनसे, कोई पर्दा ही नहीं रखे। तो फिर अल्लाह ताला बोले नहीं नहीं अब्दुल्ला, ये नहीं हो सकता। वलन तजीद अली सुन्नत इलाही तब्दील, अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं, मरने के बाद इंसान नहीं आता। तो बोले अल्लाह कम से कम ये तो बताते मेरा हाल जो है, क्या मजे में हूं मैं तो जबरदस्त वीआईपी ट्रीटमेंट में, या तो जबरदस्त हूं मैं, ये तो भी बता दे। अल्लाह ताला फिर कुरान की आयत नाजिल, क्या बोले अल्लाह ताला, जो मर जाते अल्लाह की राह में लड़ते हुए वो शहीद जो है ना, उनको मरे हुए मत बोलो, अल्लाह ताला के पास जिंदा है, अल्लाह उनका रिस्क पहुंचाते। ये खात्मा है हमारा इंशाल्लाह यार, सिर्फ मामूली बात है, अल्लाह बात करना। वैसे तो अल्लाह तहज्जुद में आके पुकारिच रही, ये भी तो बात है, यहां बात कर लो अल्लाह वहां भी बात कर लेते इंशाल्लाह। अच्छा नेक खात्मे के लिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ। उमर बिन खत्ताब जो है हमेशा दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरे को नबी के शहर में शहादत की मौत दे। आप ना खात्मे की दुआ करें तो हमेशा दुआ करो अल्लाह खात्मा अच्छा कर, ईमान पे कर। अल्लाह हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा उसके अंदर ईमान की हरारत पैदा कर दे, हमारे हड्डियों में जो गुद है अल्लाह उसके अंदर भी ईमान की हरारत पैदा कर दे। समझ रहे? ऐसा जोश रहना दीन के लिए, ऐसा जज्बा रहना दीन के लिए, बस 24 घंटे दीन रहना। जॉब करो बेहतरीन, शादी करो अच्छी जगह कर लो माशाल्लाह, खाना अच्छा खा रहे खा लो, लेकिन 24 घंटे दीन है, बस अल्लाह 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 है, दिल दिमाग में अल्लाह है।